थर्ड ग्रेड, सेकंड ग्रेड और स्कूल लेक्चरर, ये तीनों मुझे मान लीजिए साथ लेके चलने हैं या साथ लेके नहीं भी चलने हैं, तो भी कंफ्यूजन रहता है कि मैं एजुकेशनल साइकोलॉजी को कैसे बढ़िया तरीके से तैयार कर लूं ताकि मेरे कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आए। और मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, जब भी क्लास लेता हूँ उस समय भी स्टूडेंट्स को बोलता हूँ, जिंदगी में कोई काम करना नहीं और कर रहे हो तो फिर उसको एक बहुत अलग लेवल पे ले जाके करना है। हमेशा याद रखना, चाहे बिजनेस की बात हो, चाहे जिंदगी का घरेलू काम हो, चाहे वो स्टडी पढ़ाई आपकी हो, अध्ययन हो चाहे अध्यापन हो, चाहे दौड़ना हो चाहे बैठना हो, सोना हो या भागना हो, कोई भी काम करो वो एक बहुत अलग लेवल पे होना चाहिए। मतलब लेवल अपना एक अलग दिखना चाहिए। याद रखना, इंटरव्यू क्या होगा, मैं नहीं कर पाया तो वही चीज है ग्रेड सेकंड ग्रेड थर्ड ग्रेड स्कूल लेक्चर। मेन चीज जो है वो हमें हराती है, वो डर हराता है। जब जिंदगी में डर बैठ जाता ना कि मैं गाड़ी चला रहा हूं और मुझे लग रहा है कि टायर पंचर हो गया तो, टायर फट गया तो, गाड़ी का स्टेयरिंग लॉक हो गया तो, आगे से कोई गाड़ी जबरदस्ती घुस गई तो आप ड्राइविंग नहीं कर पाएंगे। ये सिंपल से रूल है। फियरलेस, डर मत रखिए, अपने आप को तैयार कीजिए और इंटरव्यू की दिशा बदल सकते हैं। मैंने कहा कॉन्फिडेंस सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, साइकोलॉजिकल गेम है। जब आप बैठते हैं तो आपका आई कॉन्टेक्ट क्या है वो बता देता है अगले को कि अगले का कॉन्फिडेंस क्या है। अपने विषय को तैयार कीजिए, अपने जिले, अपने उस जिले की विरासत को तैयार कीजिए, आसपास की करंट समसामयिक घटनाओं को तैयार कीजिए और सबसे बड़ी चीज है अपने आप को तैयार कीजिए कि तुम श्रेष्ठ हो, तुम श्रेष्ठ हो और तुम्हें अपना बेटर देना है। ये हमेशा रखिए। और नहीं होता तो टेंशन नहीं लेनी, नहीं होगा ये हो जाएगा वो हो जाएगा। इन चीजों को लेकर हम ऐसे ख्याल जो चीजें है ही नहीं उनको लेकर हम तनाव होता है कि मैं रेट भी कर रहा हूं या मान लीजिए मैं रेट कम थर्ड ग्रेड भी कर रहा हूं, मुझे रेट कम थर्ड ग्रेड करना है और सेकंड ग्रेड करना है, मुझे फर्स्ट ग्रेड भी करना है, तो ये मेरे दिमाग में बहुत सारे विचार होते हैं और इनको लेकर अपन ऐसी चीजों से डरे रहते हैं जो है ही नहीं, जो है ही नहीं। उन चीजों से डरना जो वास्तव में है ही नहीं, मैं क्यों डरूं। वही चीज है कि सर ये हो जाएगा, वो हुआ तो नहीं ना, वो हुआ तो नहीं ना, आप फेल तो नहीं हुए ना, अभी तो आप जिंदा है ना, तो जिंदगी को जिए ना। बस ये सब बड़ी चीज है। हम ऐसे डर से ग्रसित हैं जो वास्तव में जिसका अस्तित्व ही नहीं है। तो ऐसे डर से हम ग्रसित क्यों रहे, ऐसे डर से हम क्यों डरे, याद रखना। तो साइकोलॉजी जब मैं तैयार कर रहा हूं, सबसे पहली चीज है मेरे को पॉजिटिविटी रखनी है। मनोविज्ञान एक बहुत इंटरेस्टिंग विषय है, अपने जीवन से जुड़ा हुआ विषय है। और याद करने का सबसे बढ़िया तरीका, मैं क्लास में हमेशा बच्चों को बोलता हूं कि इसका इमेजिनेशन किया करो। जब मैं क्लास में ऑफलाइन में उदाहरण देता हूं आपको, इतने जीवन से जुड़े भी एग्जांपल देता हूं आप लोगों के, मैं तो मैं उस समय बोलता हूं कि मैं जब बोल रहा हूं तो उसको प्रतिबिंब बनाइए। साइकोलॉजी भूलोगे नहीं, साइकोलॉजी को अपने जीवन से जोड़ते हुए चलिए, साइकोलॉजी बहुत आसान हो जाएगी याद रखना। और कुछ जितने अप्लाइड प्रश्न आएंगे उतना ईजी है याद रखना। अप्लाइड प्रश्न बहुत पॉजिटिविटी के साथ हल किए जाए तो एक भी प्रश्न गलत नहीं होता है। कितना अंतर है उसी चर्चा कर रहा हूं मैं। अब जैसे पहला टॉपिक है शिक्षा मनोविज्ञान, नॉर्मली टॉपिक आता है। अब आपके दिमाग में इनको डिस्कशन कर रहा हूं, आप समझ लीजिएगा क्या क्या कैसे कैसे क्या क्या देखना है आपको। जैसे टॉपिक है शिक्षा मनोविज्ञान, अब शिक्षा मनोविज्ञान जो टॉपिक है वो मुझे पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है। शिक्षा मनोविज्ञान टॉपिक स्पेशली सभी एग्जाम्स के लिए उपयोगी है, सेकंड ग्रेड वालों को भी पढ़ना है, स्कूल लेक्चर वालों के लिए भी उतना इंपॉर्टेंट है। स्कूल लेक्चरर में 3% अकेले से आएंगे इसमें से, कितने परसेंट, 3% अकेले स्कूल लेक्चर में आ जाएंगे याद रखना, ठीक है। सेकंड ग्रेड में 2% आ सकते हैं यहां से, रीट में नहीं आता ये, लेकिन लेकिन रीट की तैयारी करने वाले बच्चों को मैंने कहा था कि ग्रेड थर्ड को साथ लेके चलना है, परिकम मेंस को साथ लेके चलें, यानी साइकोलॉजी और सब्जेक्ट और पेडागोजी, इन तीनों को तो इस प्रकार से तैयार कर लो कि जुलाई वाली रीट के साथ ही आपका 80% पार्ट तैयार हो जाएगा। टेंशन नहीं होगी सर मेंस में क्या आएगा, कुछ टेंशन नहीं है। मैं अपने सब्जेक्ट आरबीसी बोर्ड की बुक्स को शानदार तैयार कर लूं, साइकोलॉजी को बेहतर तैयार कर लूं, पेडागोजी टीचिंग मेथड को अच्छा तैयार कर लूं, तो ये रिट के साथ किया जा सकता है। तो ये टॉपिक रिट में नहीं है, बाकी सीटेट, एमपीटेट, यूपीटेट, कोई भी स्टेट का एग्जाम दे लेना, सेकंड ग्रेड स्कूल लेक्चर दे लेना, सब में आएगा। तो ये टॉपिक आपको पढ़ना है।